बायोट से बायोट लॉ पढ़े थे, और उसमें अगर करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर कॉयल है तो उससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा कोई करंट कैरिंग वायर है और ऐसा था, ये एंगल θ1 और ये एंगल अगर θ2 ले रखे हैं हम, और ये डिस्टेंस r है, तो इसमें करंट अगर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग का आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम लोगों ने करंट एंगल मेजर किया था इससे इधर और इससे इधर, तो थीटा डी को माइनस में रखे थे और उसको प्लस में, तो ऐसा कुछ आया था। और इसी पे बेस्ड हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ये देखते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा दे रखा है कि दो वायर दे रखा है, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, और एक में करंट इधर ऊपर की तरफ 2i जा रहा है और एक में नीचे की तरफ i जा रहा है। ये दोनों को मिला परपेंडिकुलर एक लाइन है, और इस लाइन पे 4 पॉइंट्स है, ए सी और इधर कहीं डी, ये 3 पॉइंट्स है। डिस्टेंस दे रखा है, ये ए है, ये ए बाई टू, ये दूरी ए, ये दूरी, ये वायर 1, ये वायर 2। हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए सी एंड डी। ठीक है, इनफिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इससे 3 पॉइंट्स दिए रखे हैं, तो दो दो वायर है, तो दोनों की वजह से होगा, दोनों की वजह से उस पॉइंट पे फाइंड करेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। पॉइंट ए पे अगर हम देख रहे हैं तो 2i वाले के कारण जो इसमें करंट बह रहा है, 2i वाले में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी तरफ अगर हम थंब रखें और अपने फिंगर्स को कर्ल करें, तो ए साइड में हमको मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर हम ए लिखेंगे तो ए लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड 2i के कारण प्लस मैग्नेटिक फील्ड i के कारण। 2i वाले के कारण अगर हम देख रहे हैं तो डायरेक्शन हमको बाहर की तरफ दिख रहा है, और i वाले के कारण अंदर की तरफ। डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड के थंब को करंट के अलोंग पुट करना है, और फिंगर्स, बाकी जो बचे फिंगर्स हैं उसको कर्ल करना है, और देखना है पॉइंट ए पे वो किधर जा रहा है। तो 2i वाले में अगर रख रहे हैं तो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, आई वाले के लिए अंदर की तरफ, यानी कि साइन के साथ हमको पुट करना है। तो अगर हम बाहर की तरफ पॉजिटिव लेंगे इनटू द प्लेन नेगेटिव, तो उसी तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम लिख रहे हैं 2i के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट, करंट की जगह 2i, इन्फिनिटी था तो यहाँ साइन थीटा और दोनों 90 हो जा रहा था, 2 आता तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r बचता, तो 2 पाई a बाहर की तरफ है, तो इसको हम प्लस ले लिए। फिर सेकेंड वाला इनटू द प्लेन है, इसकी वजह से यहाँ पॉइंट ए पे देखें तो हमको इनटू द प्लेन दिख रहा है डायरेक्शन, क्योंकि तो नीचे की तरफ है, थंब रखेंगे तो बाकी फिंगर्स ए पे अंदर जाता हुआ दिख रहा है।
तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और हमको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा यहाँ से ए से लेकर इस आई तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमको दिख रहा है 2a, रख लेंगे। तो ये हमको ओवरऑल दिख रहा है, थ्री म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई। ठीक है, प्लस आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन होगा। इस बात में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, उनके पास था। इसको हम स्लो स्लो बताएं, आगे वाला दोनों हम थोड़ा तेजी से ही बताएंगे। तो अगर दिक्कत आ रहा है तो पूछो, क्योंकि फॉर्मूला ही पुट करना है। अगर हम सी पे लिखेंगे तो फिर से इन दोनों की वजह से होगा, 2i वाले के साथ और i वाले के कारण। तो 2i वाले के कारण अगर देख रहे हैं तो इनटू द प्लेन जा रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे म्यू नॉट 2i बाय 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमको दिख रहा है कि a बाई 2 है, यहाँ पे a बाई 2, और इनटू द प्लेन है तो क्रॉस प्लस। इसके कारण देख रहे हैं तो उसके कारण भी इनटू द प्लेन ही है, तो उसके लिए लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए बाई 2, और ये भी क्या है, क्रॉस ही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा हमारा, दोनों इनटू द प्लेन ही है, तो सिंपली हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमको दिख रहा है 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। ऐसे ही डी पे हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट डी, दोनों की वजह से। तो 2i वाले के कारण इधर देख रहे हैं तो क्रॉस दिख रहा है, और इधर देख रहे हैं तो डॉट, तो इसी साइड है। तो यहाँ पे 2i वाले के कारण क्रॉस होगा और i वाले के कारण इधर डॉट होगा, तो ऐसे ही लिख लेंगे म्यू नॉट 2i बाय 2 पाई डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस हम दिख रहा है इस पॉइंट डी का तो 2a है, तो यहाँ पे 2a रखेंगे, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस ए है। इस केस में ये वाला बाहर की तरफ है और ये क्रॉस है। क्रॉस को अगर इनटू द प्लेन ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, तो इसको प्लस लेंगे और इसको लिख लेंगे वैसे, तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये हमको 0 दिख, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करता हुआ दिख रहा है, यानी 2 2 काट देंगे तो सेम ही दिख रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डी पॉइंट पे जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो ऐसे ऐसे सवाल हम लोग को मिलेंगे और हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ अलग टाइप का देखते हैं फिर। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखा है, यहाँ पे वायर जो है इनटू द प्लेन जा रहा है, और ये इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है। ये यहाँ से डिस्टेंस ए है, यहाँ से ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, एक पॉइंट पी है यहाँ पे 0.√3 है, और क्यू है ए कॉमा ए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ दिख रहा है कि वायर वन में, अगर इसको हम वायर वन बोल देते हैं और इसको वायर टू, तो वायर वन में आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है और वायर टू में इनटू द प्लेन करंट जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है?
हेलो। यस यानी हमको ये जो हम घेरा लगा है, ये वायर वन है, ये वायर टू है, और वायर जो है एकदम परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। एक आउट ऑफ द प्लेन करंट आ रहा है एक में, और एक में इनटू द प्लेन जा रहा है। डायरेक्शन चेक करो तो इसमें करंट चुकी आई बाहर की तरफ है, तो यहां से ये आर दूरी पे देखेंगे तो इससे परपेंडिकुलर तरफ इस तरीके से करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये इनटू द प्लेन है तो इस पे ऐसा होगा, और चूंकि ये ए है, ये भी ए है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इस पे 90 डिग्री होगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, और चूंकि ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि √3 ए है और ये ए है, तो एंगल हमको दिख रहा है कि वो सिंपली थीटा है। और थीटा अगर हम टेन थीटा से देख रहे हैं तो हमको 60 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो √3 दिख रहा है। तो हम थीटा 60 डिग्री हमको दिख रहा है। अगर हम देखें तो करंट सेम है, और ये वाला डिस्टेंस यानी √3a यानी कि 3a² + a² यानी कि ये वाला डिस्टेंस 2a है, ये भी डिस्टेंस 2a है। डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो ये भी हमको सेम दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है, तो μ0I/ 2πr, r कितना है यहाँ पे, तो 2a, ठीक है। और अगर हम इसको b बोल दें तो हमारा b x की तरफ देख रहे हैं तो ये हमको 0 मिल जा रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो हमको ऐसा दिख रहा है, इधर की तरफ b, इधर की तरफ b, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, इधर की तरफ b साइन थीटा, इधर भी b साइन थीटा, तो ये और ये आपस में कैंसिल कर जाएगा, यानी बी एक्स 0 हो जाएगा। वही अगर हम y डायरेक्शन में देखें तो हमको दिख रहा है 2b cos θ, cos थीटा 60 डिग्री है, तो √3 × b लिख सकते हैं, यानी कि √3 μ0I/4πa, ठीक है। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, सिंपली वैसे ही जैसे चार्ज रखा हुआ रहता था, किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम लोग उस चार्ज की वजह से वहां पे अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके फिर वेक्टर सम कर देते थे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। वही चीज यहाँ भी हो रहा है कि अगर कोई भी एक वायर के कारण या मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दूसरे के कारण डिपेंड नहीं करता, और इस वजह से अगर हम आई आई देख रहे हैं तो B1 B2, यानी कि दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और हमको दिख रहा है कि एक पॉइंट पे हमको दो दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, तो हमको बस वेक्टर सम करके फाइंड कर लेना है। तो ये था हमारा पॉइंट पी पे, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया हमारा पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी। इसी तरीके से हमको पॉइंट क्यू पे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट क्यू क्या है, तो यहां से दिख रहा है हमको ए कॉमा ए है, तो उसको फिर से एक बार बना लेते हैं। ए कॉमा ए यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ये पॉइंट क्यू है, ए कॉमा ए, ठीक
ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से बनाना चाहते हैं, तो ध्यान से देखो, ये जो है करंट इनटू द प्लेन है, इसकी तरफ थंब रखेंगे, हाथ को मोड़ेंगे, तो इस टू वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे, इससे परपेंडिकुलर आएगा और इधर की तरफ आएगा, ठीक है। और इस वन वायर के कारण इधर की तरफ थंब रखो और क्यू पे देखो हाथ किधर जा रहा है, तो हाथ यहाँ पे हमको इस लाइन से ऐसा परपेंडिकुलर इधर की तरफ दिख रहा है, तो ये होगा हमारा B1। ठीक है, डायरेक्शन में अगर किसी को कहीं दिक्कत आ रहा है तो पूछो, करना क्या है, थंब को करंट के अलोंग रखना है, तो वायर वन में करंट आउट ऑफ द प्लेन है, यानी कि थंब हमारा ऊपर रहना चाहिए थंब्स अप जैसा, और हाथ को घुमाना है, तो इस वायर की तरफ क्यू पे हाथ जब घुमा रहे हैं तो हाथ का डायरेक्शन B1 जिधर हम ड्रॉ करे हैं उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जो लाइन मिला है इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। वैसे ही टू वाले वायर में अगर थंब को नीचे की तरफ रख के और इस लाइन पे हम देखें कि इस क्यू पे कहाँ आ रहा है, तो उससे परपेंडिकुलर B2 इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब हमको ये दिख रहा है कि ये 2A है और ये डिस्टेंस A है, तो ये हमको मिल जाएगा √4A 5A, ठीक है, √5। तो हम यहाँ से B1 B2 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, B1 का मैग्नीट्यूड √0I/2π, यहाँ से डिस्टेंस √5A, और वही B2 का मैग्नीट्यूड √0I/2π, डिस्टेंस ए ही है, ए है, ठीक है। दो वेक्टर्स मिल गए हमको, और अब हमको दोनों का सम करना है। सम कैसे करें, ठीक है, तो सम करने के लिए सिंपली ऐसा कर सकते हैं हम लोग, यहां से अगर इसको मिला दें, ठीक है, तो अगर ये एंगल हम थीटा बोलेंगे तो ये भी एंगल हमको थीटा मिलेगा, तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा और ये एंगल हमको थीटा हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर x डायरेक्शन में देखें तो हमको मिल रहा है B2 - B1 sin of थीटा, और BY मिल रहा है हमको B1 cos of थीटा, और यहाँ से हम थीटा कैसे लिख सकते हैं, तो थीटा के लिए देखो कि साइन थीटा हमको दिख रहा है यहाँ पे फिगर से, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, क्योंकि 1/√5 दिख रहा है, और कॉस थीटा हमको दिख रहा है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो √3/5A, यानी कि 2/√5। B1 B2 का मैग्नीट्यूड पता है, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड पता है, तो हमारा वहां पे एक्स और वाई में आ गया, तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके आराम से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर हमको कॉम्बिनेशन दे सकता है, अलग अलग टाइप्स के कॉम्बिनेशंस कि ऐसा वायर है वैसा वायर है, इसे फाइंड करो, तभी स्ट्रेट लाइन कहीं सिर्फ पड़े हैं तो सब स्ट्रेट लाइन ही दिए, अगर किसी में भी कहीं भी डायरेक्शन लेने में कैलकुलेशन करने में अगर दिक्कत आ रहा है तो उसको पूछ लो, ठीक है, क्योंकि शुरुआत है अभी, शुरू में अगर डाउट क्लियर रहेगा तो आगे हमको कष्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत है तो एक दूसरा को देते हैं क्वेश्चन। ये एक वायर है, इन्फिनिटी इधर तक जा रहा है, ऐसा ठीक ठीक वायर है, इसका विड्थ जो है W है, यानी कि इसमें जो करंट इसमें बह रहा है I इधर की तरफ बह रहा है। अब इससे बोल रहा है कि A दूरी पे पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हाँ हेलो, ठीक है, ये चीज दे रखा है कि जो करंट आई है
इस विड्थ डब्ल्यू में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब पॉइंट पी पे हमको फाइंड करना है। तो हम तो एक थिन वायर के लिए निकाले थे, यहाँ पे थिक वायर दे दिया है, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? ठीक है, इतना अब हम लोग जान चुके हैं कि क्या करना है, ये बात तो समझ में आ गया होगा। हो गया, ठीक है। इसमें यही काम करेंगे, थिकनेस उसका डब्लू है, विड्थ डब्लू दे रखा है, तो हम इसको थिन मानने के लिए ऐसा हम एक्स पे जाके एक छोटा पतला सा एलिमेंट डी एक्स मान लेंगे। तो ये जो करंट बह रहा है हमारा यूनिफॉर्मली बह रहा है, और डब्लू विड्थ में आई है, डब्लू विड्थ में करंट आई है, तो इस डी एक्स एलिमेंट में कितना बहेगा? तो हमको दिख रहा है डब्लू में करंट आई, तो एक यूनिट में आई बाई डब्लू, तो डी एक्स यूनिट में जो हमारा डी आई होगा होगा आई बाई डब्लू इंटू डी एक्स। ठीक है, यानी कि उसमें यही करंट बह रहा होगा। अब इस करंट की वजह से हम पॉइंट पी पे, हाँ बोलो सर, ये थिन वायर है कौन सा? ये क्वेश्चन में जो फिल्टर थिक वायर हो गया, मतलब मोटा सा वायर है जिसमें करंट तो यूनिफॉर्मली बह रहा है, सिलेंडर होगा ना? हाँ वही सिलेंडर ही समझो, तो वायर दिख, तो सर वायर W भी तो सिलेंडर दिख। वॉल्यूम में ना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर तो करंट डेंसिटी देना चाहिए था ना। लेकिन इसमें जैसे क्वेश्चन में हमको W विड्थ में दे रखा है, वायर सिलेंड्रिकल है, लेकिन बोल रहा है कि करंट जो है वायर W में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेटल शीट है, ठीक है, सॉरी मेटल शीट लिखा है, ठीक है, मेटल शीट है, ठीक है, डब्लू में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वायर होता तो अलग होता, ठीक है, मेटल शीट है, तो मेटल शीट डब्लू में है, तो डब्लू आई ऐसा कर सकते हैं, तो डी आई अगर हमको पता चलेगा, तो यहाँ सब मैग्नेटिक फील्ड डी बी इसके लिए लिख सकते हैं, कितना म्यू नॉट डी आई बाई टू पाई एक्स, इसके बाद का कहानी तुम लोग आराम से कर सकते हो, आई बाई टू पाई डब्लू बाहर आ जाएगा, वन बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो? बोलो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो ए से ए प्लस डब्लू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डब्लू एल एन ए प्लस डब्लू बाई ए बी हो जाए, ठीक है, मेटल सीट है, वायर नहीं है, ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। अगर हमको ऐसा दिया हुआ रहेगा कि मेटल सीट है, तो हम इससे ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि एक छोटा सा पतला एलिमेंट के लिए और उस एलिमेंट में कितना करंट बह रहा है, उस हिसाब से हम इसको फाइंड कर सकते हैं।
इसमें किसी को दिक्कत? ऐसा वायर दे रखा है, करंट इसमें इधर से इधर की तरफ बह रहा है और पॉइंट हमको इधर दे रखा है P। ये टोटल एंगल अल्फा है और ये एंगल अल्फा बाई 2 है। यहां से ये डिस्टेंस आर है। और ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा? ठीक है, आर भी दिया नहीं है, आर को एक्स के टर्म में लिखना है, तो हम खुद से यहाँ पे आर लिख रहे हैं कि आर के टर्म में निकाल सकते हैं। सॉल्व करते रहो खुद से। ठीक है, बाद में। ठीक है, हमको ऐसा दो पार्ट मिल रहा है, तो हम इसको दो अलग अलग पार्ट में करके फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट और इसको बोल रहे हैं सेकंड पार्ट। दोनों को जोड़ देंगे, ऐसा ही वायर मिलेगा। तो फर्स्ट नीचे वाले पार्ट के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऊपर वाले के लिए कुछ होगा, दोनों को वेक्टर एडिशन कर देंगे। नीचे वाले के लिए देखो ऐसा जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो हमारा इनटू द प्लेन ऐसा मिल रहा है, और इस वजह से जो मिल रहा है ये भी ध्यान से देखो तो इनटू द प्लेन ही मिल रहा है, यानी कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा हमको ऐड कर देना होगा। तो इसकी वजह से लिखो क्या आता है, साइन थीटा 1 पता है, साइन थीटा 2 पता है। तो अगर हम बी वन लिखेंगे तो ध्यान से देखो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, 4 पाई आएगा, यहाँ पे 4 पाई आर। आर को हमको एक्स के टर्म में लिखना है लेकिन फिलहाल हम आर ही रख रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 1, एक तो 90 है, और प्लस साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा। तो इसके अगर लिखोगे तो ये हमको मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमको लग रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए क्योंकि एंगल और डिस्टेंस सेम है, जैसे हम इसको म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 प्लस
कॉस अल्फा बाई टू हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, सब कुछ सेम ही है, थीटा वन थीटा टू सेम है, करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये चीज आ जाएगा। अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, यहाँ से वन प्लस कॉस अल्फा बाई टू। आर का वैल्यू अगर देखे तो आर का वैल्यू हमको ऐसा एक्स की टर्म में मिल जाएगा, ये एक्स है, ये आर है, ये अल्फा बाई टू है, तो एक्स साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू आर। तो इस चीज को हम यहाँ से पुट करके सॉल्व कर लेंगे ऑप्शंस में जो में मैच कराना हो, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर की जगह लिख लेंगे एक्स साइन अल्फा बाई टू, यहाँ से जगह वन बाई साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाई टू बाई साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, अब इसको और भी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं, पर साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाई टू आ जाए। ठीक है, इस चीज को आगे अगर सिंप्लीफाई करना हो कर सकते हो, बाकी इतना लिख के हम छोड़ दे रहे हैं, इसके आगे का काम तुम लोग कर सकते हो। वन प्लस कॉस अल्फा बाई टू है तो अल्फा बाई फोर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कॉस टू अल्फा बराबर होता है टू कॉस थीटा माइनस वन, तो वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस थीटा होता है, तो ऊपर चेंज करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो लिख ही देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, ऊपर हमको दिख रहा है वन प्लस कॉस अल्फा बाई टू, नीचे दिख रहा है हमको साइन अल्फा बाई टू। अब इसको हम आधा के एंगल के टर्म में तोड़ेंगे, तो ऊपर देखो इस तरीके से अगर तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा टू कॉस थीटा, थीटा यानी कि टू थीटा था तो थीटा मिला, तो अल्फा बाई टू है तो अल्फा बाई फोर मिलेगा, डिवाइड बाई इसको कर सकते हैं टू साइन, साइन टू थीटा हम लोग लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए हम लिख रहे हैं साइन अल्फा बाई फोर कॉस अल्फा बाई फोर स्क्वायर होता है स्क्वायर। यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये कट गया टू से टू गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स इंटू कॉट ऑफ अल्फा बाई फोर, ये हमको ऑप्शन में दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा काम खत्म था, इसके बाद पूरा मैथ ही है, मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल हमको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम लोग आसानी से, अलग अलग पार्ट है तो अलग अलग पार्ट वाइज हम लोग उसको अलग पार्ट करके सबसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके फिर जैसा डायरेक्शन होगा डायरेक्शन के साथ हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, हम जानते हैं कि जो हमारा वायर है स्ट्रेट ही रहे ऐसा जरूरी नहीं, ड्यू टू सर्कुलर क्वायर। ठीक है, हमारा जो स्ट्रेट वायर है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो स्ट्रेट ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है, सर्कल में भी हो सकता है, सर्कुलर क्वायल भी हो सकता है। तो सर्कुलर क्वायल है यानी उसमें अगर करंट घूम रहा है तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उस चीज पे हम लोग देखते हैं। तो हम आर्बिट्री जनरल कोई सा भी एक ऐसा हम आर्क ले रहे हैं, ठीक है, ये आर्क है जो कि यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है। अब इसमें करंट मान लेते हैं किधर आई बह रहा है, तो इस आई के कारण इसके सेंटर पे पॉइंट ओ पे यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वो इसके कारण क्या होगा। ठीक है, यानी कि एक करंट कैरिंग आर्क सर्कुलर क्वाइल है, कहने का मतलब आर्क है, यहाँ पे हम आर्क का केस कर रहे हैं। अगर आर्क है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा फाइंड करना है, कैसे करेंगे तो देखते हैं कि अगर हम हर थोड़ा सा पॉइंट अगर डीएल हम यहाँ पे चूज करते हैं, तो डीएल अगर इधर ले
और यहाँ पे हम निकालना चाहें तो dl और ये r वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने देखा था बायोट सेवर्ट लॉ में कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और इधर dl क्रॉस r अपॉन r क्यू। बायोट सेवर्ट लॉ से ये हम जानते हैं कि म्यू नॉट आई dl क्रॉस r बाई r क्यू। तो यहां से अगर हम छोटा सा पार्ट ये dl के लिए देख रहे हैं तो dl और r दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसको हम लिख सकते थे कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई यहां से हो जाएगा dl बाई r स्क्वायर क्योंकि 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे dl वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर दिख रहा है तो हम साइन 90 यूज करेंगे r है तो r यहाँ r स्क्वायर जो है रेडियस ही होगा तो हम इसको हम कैपिटल r ही लिख देते हैं सिंस स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस इसका रेडियस r है। ठीक है तो अगर हमको ये मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण वहां पे चाहिए होगा हम कैसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ध्यान से देखो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ये तो हमको सब कांस्टेंट दिख रहा था बाहर निकाल लिए। अब ये डीएल लेंथ इंटीग्रेशन तो डीएल लेंथ का इंटीग्रेशन हमको क्या मिलेगा यहाँ पे हम लेंथ यूज करें वेक्टर हट चुका है डायरेक्शन हम ले चुके हैं तो डीएल लेंथ जो ये आएगा जो भी हमारा उसका लेंथ देगा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है अगर सर्कल होता तो सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस दे रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आर्क कैसे लिखेंगे तो आर इंटू थीटा ये लिखते हैं तो आर से आर गया इस इसको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। ठीक है यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा थीटा यहाँ पे हमको रखना होगा इन रेडियन। ठीक है रेडियन में रखना है ना कि डिग्री में हम पुट करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर केसेस देख लेते हैं अगर हमारे पास ऐसा रहा ठीक है यानी कि सेमी सर्कल है रेडियस आर है करंट आई है तो इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड ओ पे लिखेंगे तो लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे ये टोटल एंगल पाई तो यहाँ पे लिखेंगे पाई 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 कट जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर बचे। वही अगर हमको ऐसा दे दे क्वार्टर है 90 डिग्री बन रहा है तो इसमें अगर पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको लिखना होगा तो लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन आर यहाँ पाई बाई 2/4 आर 4 पाई 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 कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। ठीक है वही अगर हम बोले कि ये पूरा सर्कल है पूरा का पूरा ये सर्कुलर क्वाइल है इसके सेंटर ओ पे फाइंड करना है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ और करंट ऐसा बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे अगर हमको फाइंड करना होगा तो यही म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और एंगल कितना लिखे इस केस में तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट है तो यहाँ जो एंगल ऐसा बनेगा ये 2 पाई एंगल बनेगा यहाँ पे रखेंगे 2 पाई तो 2 पाई से ये 2 तो सेंटर पे मैग्नेटिक अगर पूरा क्वाइल हो तो याद रखना है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होगा। ठीक है यानी कि अगर पूरा क्लोज्ड क्वाइल है तो उसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर और किसी एंगल थीटा के लिए ये चीज ये दोनों फॉर्मूले याद रखने ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग क्वाइल यानी सर्कुलर क्वाइल है तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हम निकाले हैं तो एट सेंटर। ठीक है ओ दे रखे हैं तो ओ जो है ये सेंटर ही है यानी कि हर जगह हम कहाँ लिखे हैं उसके सेंटर पे ओ है तो ओ भी क्या है सेंटर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड
एट सेंटर ऑफ सेंटर है ठीक है, बाकी आगे समझ सकते हैं कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो इसकी वजह से सेंटर पे ठीक है। अब अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा आएगा, तो डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये हम एक क्वाइल मान ली कि हमारा एक सर्कुलर क्वाइल है। अब इसमें डायरेक्शन हम देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि करंट इस तरीके से जा रहा है, और हम अगर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लें तो ये हमारा डीएल वेक्टर हो गया, इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट आर है तो ये हमारा आर वेक्टर हो गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कोई डीएल वेक्टर लेते हैं और इसके लिए अगर आर वेक्टर देखे तो इधर की तरफ ये आर वेक्टर होगी। तो हर जगह डीएल क्रॉस आर अगर हम चेक करते हैं, डीएल की तरफ हाथ रखें आर की तरफ फेंकें, तो इस पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है ठीक है। किसी भी पॉइंट पे ले लो, हर जगह अगर हम डीएल क्रॉस आर चेक कर रहे हैं तो हर जगह हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ही आ रहा है ठीक है। तो हम लोग डीएल ले रहे हैं, डीएल क्रॉस आर यानी कि जो हमारा राइट हैंड थंब रूल था उसी से इसका डायरेक्शन बता रहे हैं। हर जगह डीएल की तरफ हाथ रख रहे हैं और आर की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, तो जैसे जैसे क्रॉस करेंगे तो हर जगह देखो डीएल की तरफ राइट हैंड को रखना है और आर की तरफ। ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ए की तरफ हाथ रखेंगे बी की तरफ कर्ल करेंगे, थंब का डायरेक्शन हमको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देगा ए क्रॉस बी का। तो वैसे ही यहाँ डीएल की तरफ हाथ रख रहे हैं, आर की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, तो जो थंब है वो ऊपर की तरफ आ रहा है हर जगह पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो इसी चीज को हम लोग बताने के लिए ऐसा बता देते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वाइल है और इसमें करेंट बह रहा है, मान लेते हैं इसमें इधर की तरफ बह रहा है, तो अपने राइट हैंड को फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along current ठीक है, राइट हैंड को along current curl करना है, then thumb will give direction of magnetic field inside coil। coil के अंदर अगर हमको magnetic field find करना है तो इस तरीके से हम कर्ल करेंगे तो दिख रहा है कि अंदर में क्या है, बाहर की तरफ। इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो इस केस में हमको क्रॉस दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इन टू द प्लेन होगा ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग 10th क्लास पढ़े थे क्लॉक फेस रूल ठीक है, उससे भी हम लोग देख सकते हैं। क्लॉक फेस रूल क्या था कि अगर हमको किसी भी क्वाइल में अगर हमको क्लॉकवाइज दिखता है, यानी कि फेस जो होता है एक ही क्वाइल को अगर हम इसी क्वाइल को ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है, जैसे ऐसे बना देते हैं ये है, ठीक है ये क्वाइल है हमारा, इसमें करंट ऐसा बह रहा है ठीक है। इधर से अगर हम खड़े होके देख रहे हैं तो इधर से देख रहे हैं तो हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। और वही अगर हम इधर से खड़े होके देखेंगे इधर से, तो इधर से अगर देखेंगे तो हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। देखने की कोशिश करो, अज्यूम करो एक रिंग है ऐसा बह रहा है, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक फेस रूल यही कहता है कि जिस डायरेक्शन से हमको क्लॉकवाइज दिखेगा वो हमारा साउथ की तरह होगा, यानी कि साउथ पोल रहेगा, यानी कि ये जो है हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा
और जिस डायरेक्शन से हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो उस डायरेक्शन में हमको नॉर्थ दिखे, ठीक है। तो नॉर्थ में एन में ऐसा डायरेक्शन इसलिए लगाया है ताकि हमको समझ में आए कि एंटी रहेगा तो नॉर्थ, यानी कि ये वाला एंड नॉर्थ की तरफ। राइट हैंड को कर्ल करो तब भी हमारा दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें से ऐसा आ रहा होगा, ठीक है ना। ये साउथ की तरह या नॉर्थ की तरह, यानी नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ की तरफ इंडो ऐसा होगा। यानी कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें तो या तो हम राइट हैंड यूज कर सकते हैं या क्लॉक फेस रूल यूज कर सकते हैं या फिर अपना वेक्टर वाले ये डीएल क्रॉस आर यूज कर सकते हैं। आगे समझने का बहुत सारे तरीके। अब जैसे देखो ऐसा भी है, ठीक है, अगर ये हमारा करंट कैरिंग कॉइल है और इसमें करंट हम मान लेते हैं कि ऐसा बह रहा है। अब इसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो इस छोटे से पार्ट को देखें तो ये हमको छोटा सा पार्ट एक करंट कैरिंग वायर की तरह दिख रहा है, और अगर हम वायर की तरह देखें तो यहाँ से हमको ऐसा दिख रहा है, यानी कि करंट जो होगा, ठीक है, इस छोटे से पार्ट के लिए देखें तो जो हमारा करंट होगा वो ऐसा सर्कुलर की तरह दिख रहा होगा। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इसकी तरफ थंब रखेंगे, कर्ल करेंगे तो कर्ल करेंगे तो इधर क्या हो रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है और इधर प्लेन से बाहर जा रहा है। वैसे ही यहाँ देखेंगे तो ऐसा हमको मिलेगा, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, ठीक है। यानी कि हर जगह अगर देख रहे हैं तो यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर जा रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर वायर के बाहर देखे तो हमको ऐसा मिल रहा है और वायर के अंदर देखे तो क्रॉस मिल रहा है, कहीं भी अगर देखेंगे तो। और सिर्फ अंदर, यानी ऊपर वाला जो है अंदर कैसा बिहेव कर रहा है उसके लिए हम लोग ऊपर वाले रूल यूज कर सकते हैं। मोस्टली हमारा अंदर से ही मतलब होगा, तो अंदर हम करंट के अलावा अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, ठीक है। और अगर क्लॉक फेस रूल यूज करना है तो जिससे यहाँ पे हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्लॉकवाइज फेस साउथ होगा, एंटी क्लॉकवाइज फेस, एंटी क्लॉकवाइज फेस जो होगा नॉर्थ होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड से हमको क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ पोल की तरह ट्रीट होगा और जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ की तरह। वैसे बाकी हम मोस्टली में यही चीज यूज करेंगे कि अपने राइट हैंड को करंट की तरफ कर्ल करेंगे और थंब का डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये था कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग क्वायल है तो करंट कैरिंग क्वायल से उसके सेंटर पे या आर्क है तो उसके सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो कितना कैसे फाइंड कर सकते हैं और कितना आएगा, यानी कि इस चीज को हम ऐसा अगर हम मान ले इधर की तरफ इसमें करंट आई बह रहा है, ठीक है। तो इसके अराउंड में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना हो तो देखो ध्यान से, तो अगर इसकी तरफ कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में ऐसा हमको आउट ऑफ द प्लेन मिल रहा है। किसी भी पोजीशन का बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड है आउट ऑफ द प्लेन मिलेगा और आउटसाइड में इनटू द प्लेन मिलेगा, ठीक है, आउटसाइड में इनटू द प्लेन मिलेगा। और कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा हमको क्लोज लूप बनाता हुआ दिखे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं, ये चीज हम लोग को पता होना चाहिए और बहुत जगह से देख रहे हैं कि एक फील्ड में क्लोज लूप नहीं बनता है लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप बनता है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है। ये था हमारा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग आर्क हो या फिर लूप हो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उस चीज का बात हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर लूप के एक्सिस पे देखेंगे कितना आएगा। ऐसा दे रखा है,
इसका सेंटर है, रेडियस आर है, करंट आई बार है, ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा? हो गया, बोलो। इतना लंबा है नहीं क्वेश्चन। अच्छा, ये एंगल 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 छुटा हुआ है, थीटा ही है। कितना आया शिवम? सर म्यू नोट आई अपॉन 4πr इनटू थीटा। म्यू नोट आई अपॉन 4πr इनटू थीटा। ठीक है ठीक है, बस देने का पर्पस ये था, ये बताना था कि ये जो वायर है, ये पार्ट वन और ये पार्ट थ्री, ये पार्ट टू, तो जो वायर है इसकी वजह से, फर्स्ट पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जीरो ही होना है, क्योंकि आई डीएल और आर वेक्टर में एंगल जीरो हो जाएगा, वैसे ही इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही, जो बचेगा हमारा आर्क की वजह से बचेगा, इसलिए इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमको बी वन इक्वल टू बी थ्री जीरो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन थीटा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन जो हमारा डीएल वेक्टर होगा एंड आर वेक्टर, डेरिवेशन के समय वो थीटा जीरो डिग्री आ रहा है, तो साइन जीरो डिग्री जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो होता है, हम लोग उस समय भी बोले थे। ठीक है, सिर्फ आर की वजह से, और आर के एंगल थीटा है, तो डायरेक्टली हम लोग उस चीज को। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है ये एंगल, इसमें करंट बह रहा है आई, इसका रेडियस है आर, ये ए है, और इसका ये रेडियस है बी। इसके लिए क्या होगा? इसी पॉइंट टू पे बताना है। सर म्यू नॉट आई बाई एट इंटू ए प्लस बी बाई ए बी। म्यू नॉट आई अपॉन एट ए बी, ए बी हाँ, और ऊपर में ए प्लस बी, और किसी का। देखो, पहला पार्ट अगर इसको माने और सेकंड पार्ट इसको माने, इस वाले पोर्शन के लिए, ये वाला जो करंट पोर्शन है इसके लिए और इसके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ आर्क वाले के कारण होगा। तो अगर हम बी वन लिखेंगे तो ये लिखेंगे कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, और एंगल क्या बन रहा है, तो 3π/2 बन रहा है। ये एंगल कितना बन जाएगा टोटल, 270, यानी 3π/2 कर सकते हैं। तो ये हमको दिख रहा है 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8πa। वैसे ही अगर हम बी टू लिखेंगे, और ये डायरेक्शन देखो, तो हमको डायरेक्शन इनटू द प्लेन मिल रहा है। बी टू इस आर्क के लिए अगर हम लिख रहे हैं, तो उसके लिए लिखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू थीटा, थीटा कितना है, तो पाई बाई टू है, तो आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 8πa।
ये भी इनटू द प्लेन ही। अच्छा बी है, बी ही होगा। तो जो अगर हम दोनों का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ही है तो जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन, जब पाई तो कट जा रहा है, पाई से पाई गया, ठीक है यहाँ भी पाई से पाई गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन एट कॉमन हो जाएगा और यहाँ बच रहा है वन बाई ए प्लस वन बाई बी। तो जो पहले लिखा हुआ था वो सही था, म्यू नॉट आई ए प्लस बी अपॉन एट ए बी, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो इतना आ रहा है और इस चीज को इतना लिख रहे हैं। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब वायर जो है हमारा ऐसा है, ठीक है, करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो है पैरेलल टू जेड एक्सिस, ये पॉइंट ओ है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस टू ए है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बताना है, करंट आई। ठीक है, ये चार पोर्शन हमको मिल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो जो होगा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर, चारों की वजह से, बी वन की वजह से तो हमको जीरो दिख रहा है, अपना लिखो फिर बाद में इसे मिलाना, मेरा गलत हो सकता है, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक ही है, ठीक है, हमको इतना दिख रहा है सबकी वजह से, बी टू बी थ्री और बी फोर, बाकी लोग का क्या आ रहा है, यही है सर, ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो क्या जा रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन एट दिख रहा है, म्यू नॉट अगर हम देखेंगे तो म्यू नॉट
आई अपॉन एट हमको कॉमन दिख रहा है, ए भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ से मिल जाएगा 1 + 1/2 + 1/π। सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ऐसा एक सर्कुलर लूप है और यहां से ऐसा ये दो वायर कनेक्टेड है, वायर जो है इनफाइनाइट है, ठीक है। बोल रहा है ये सीधा सीधा ही है, ये एंगल बन रहा है थीटा, रेडियस है आर, और यहां से करंट आई इन हो रहा है, ठीक है। और चलो ये एंगल थीटा है, और यहां से हम यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे छोड़ दे देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, सर्कुलर वायर, सर्कुलर फुल पोर्शन, इट्स लेट्स से आर, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, जो हमारा सर्कुलर फुल पोर्शन है, यानी कि जो सर्कल ब्लू कलर से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका टोटल रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ इस ए पॉइंट से करंट इन हो रहा है और यहाँ ए बी पॉइंट से बाहर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा, यानी कि सेंटर ओ पे क्या होगा, ठीक है। हिंट दे देते हैं, ये करंट जो है यहाँ पे दो पैरेलल सर्किट्स दिख रहे हैं हमको, यानी कि ऐसा पार्ट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से करंट आई आ रहा है, इधर से आई जा रहा है, तो इस पे कुछ आई वन आया होगा, इधर कुछ आई टू गया होगा, तो आई वन आई टू हमको फाइंड करना पड़ेगा इस केस में। तो थीटा के टर्म में ही फाइंड करना है, हार हम भले ही दे दिए, इसमें आई टू मान आ रहा है, हाँ आंसर तो जीरो हो जाएगा, आई वन आई टू कितना है, ठीक है, लेते हैं। यहां से हम जानते हैं कि आर जो होगा प्रोपोर्शनल टू एल होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और यहाँ लेंथ दिख रहा है आर इंटू थीटा, यानी प्रोपोर्शनल टू ये थीटा है, आई वन आई टू बाई थीटा, आई टू थीटा बाई टू पाई माइनस थीटा, और आई टू थीटा बाय आई वन, आई वन मल्टीप्लाई टू पाई माइनस थीटा बाय थीटा, क्या बोल रहे हो,
I1 into theta by 2pi minus theta by 2pi minus theta और I I2 थीटा हम सॉल्व कर सकते हैं, ये रेशियो है तो रेशियो से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इतने ही से हो जाएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम ये चीज लिख रहे थे रेजिस्टेंस जो प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो अगर हम I1 by I2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अब एक चीज और I जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है रेजिस्टेंस, r हम यहाँ पे रेडियस ले रखे हैं इसलिए रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम I1 by I2 लिखेंगे, ठीक है, तो I1 by I2 अगर हम लिखेंगे तो हम क्या मिल गया यहाँ पे, देखो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये बाहर वाला एंगल को माइनस थीटा दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा I1 by I2 मिल जाएगा 2pi minus थीटा by थीटा, इनवर्स है तो ऐसा होगा। यहाँ उल्टा माने हो क्या तुम, I1 I2 का शायद उल्टा ले रखे हो तब ऐसा आया है, बाकी ये आएगा क्योंकि I1 I2 जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से I1 और I2 ये चीज मिल गया, और I1 plus I2 जो है I है, तो यहाँ से अगर हम प्लस वन इधर भी कर दें I1 plus I2 by I2, यानी कि हम इसमें क्या किए इधर भी प्लस वन कर दिए इधर माइनस थीटा बाई थीटा प्लस वन कर देंगे, तो यहाँ से हमको दिख रहा है टू पाई बाई थीटा, तो हमको यहाँ से आई टू मिल जाएगा, आई टू इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई टू पाई इंटू आई, ठीक है, एंड आई वन इसी तरीके से हमको मिल जाएगा, अगर आई टू का वैल्यू रख देंगे तो हमको मिल जा रहा है आई टू पाई माइनस थीटा बाई, ठीक है, तो ये I1 I2 आ गया। यहाँ तक हम लोग रेशियो वाला यूज कर लिए कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू होता है क्योंकि R बराबर होता है हमारा रो L by A, रो और A तो चेंज नहीं हो रहा है, L चेंज हो रहा है सिर्फ, तो रो L by A। अब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और यहाँ जो लेंथ है वो इज इक्वल टू R रेडियस इंटू थीटा यूज करेंगे, तो एल प्रोपोर्शनल टू थीटा है, और पैरेलल में हम जानते हैं करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। ये यूज करके हमको आई वन आई टू आ गया, तो बी वन बी टू लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी जो हमारा इन दो वायर्स के कारण होगा तो सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जो फोर्स जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आई वन और आई टू के कारण होगा, और B1 के कारण लिखेंगे तो म्यू नॉट I1 by 2R, ठीक है, और B2 लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे म्यू नॉट I2 by 2R, ये रहेगा। यहां से B1 plus B2 अगर लिख देंगे और मैग्नेटिक फील्ड BO लिखेंगे तो डायरेक्शन कर लेते हैं आई वन के लिए ऊपर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पी वन माइनस पी टू, यानी म्यू नॉट बाई टू आर आई वन माइनस आई टू, आई वन माइनस आई टू कितना आ जा रहा है, थीटा थीटा वन टू पाई, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, ठीक तो है, अच्छा यहाँ पे एंगल हम थोड़ा सर्कल ही मान लिए हैं, ये गलती की है कि यहाँ पे हम बी वन जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फोर पाई आर इंटू थीटा, और यहाँ जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे फोर पाई होगा और यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस थीटा, अब ठीक है, ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये आएगा बी वन माइनस बी टू, और सॉल्व करोगे तो आंसर जीरो दिया है तो जीरो ही आएगा,
ठीक है, तो ये हमारा आई वन आई टू आया, इसकी वजह से अगर हम बी वन बी टू लिखेंगे दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो दोनों का जो हम सम करेंगे तो दोनों अलग ही आएंगे और इसका आंसर हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सेंटर पे हमारा थीटा पे डिपेंड नहीं कर, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो कैसा भी रहे थीटा कुछ भी रहे हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जीरो ही रहेगा। ठीक है, थीटा कुछ भी ले लें, देख के चेक करके देख लो, थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। थीटा पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम कुछ भी ले लें हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो ही रहेगा। जैसे क्वेश्चन था थ्योरेटिकल था, जैसे कि यही सवाल था और बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर प्रोपोर्शनल टू पाई माइनस थीटा, ठीक है, जीरो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस लिख रहे हैं इसी क्वेश्चन के लिए। पहला प्रोपोर्शनल टू पाई माइनस थीटा, यानी कि बी इज प्रोपोर्शनल टू पाई माइनस थीटा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सी दे रखा है जीरो ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी डी है जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, ये सब ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, ये सब दे रखा है, अगर हमको ऐसा ऑप्शंस दिया है कि बी क्या है तो हमको सॉल्व करें तो हमको ये क्या दिख रहा है कि सारे वैल्यूज के लिए जीरो आ रहा है, तो हम लिखेंगे जीरो फॉर ऑल वैल्यूज इसको थीटा। ठीक है, तो ऐसे से ऑप्शंस देख के कंफ्यूज करता है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं देख के हमसे ऐसा पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विथ क्रॉस सेक्शन हैविंग द फॉर्म ऑफ, थिन हाफ रिंग। कुछ दिन पहले शायद ये क्वेश्चन को ही पूछा भी था हमसे, ग्रुप में डाला था, बोले थे बाद में करेंगे। डीएस आर, ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, फिगर हम बना रहे हैं, ऐसा है, ठीक है, थिकनेस कम ही लेना है, थिकनेस हम यहाँ बना रहे हैं लेकिन थिकनेस नेग्लिजिबल है, लेकिन हमारा जो वायर है ऐसा है और ये प्लेन है, ऐसा अंदर इंफिनिटी तक जा रहा है, ये पॉइंट हमारा ओ है, इनकी सेंटर है, ये इनफाइनाइट है, इसको ऐसा बना रहे हैं लेकिन ये इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इसमें करंट जो बह रहा है इस वायर में ऐसा बह रहा है, अंदर इसी पोर्शन में बह रहा है, इनके इसका क्रॉस सेक्शन हो गया और इसी के थ्रू करंट जो है अंदर आई बह रहा है। अब इस करंट की वजह से, ठीक है, इस करंट की वजह से हमको इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। रेडियस आर नहीं रखा है, क्वेश्चन क्लियर है, यानी कि जो हमारा वायर है ऐसा क्रॉस सेक्शनल शेप का है, मतलब कि ऐसा थिकनेस का है, मान के चलो कि एक सीट है उसको हम ऐसा हाफ हॉलो सिलेंडर टाइप का मोड़ दिए हैं, जिसका थिकनेस को, यानी कि ये जो हमारा थिकनेस है इसको नेग्लेक्ट करना है, यानी कि हमारा ये प्लेन सीट था इसको हम मोड़ देंगे तो हम आधा मोड़ देंगे, ऐसा शेप बन जाएगा, वही चीज है। क्वेश्चन क्लियर है, फिगर समझ आ रहा है, बोलो, हेलो। यस सर।
हेलो अंकित, यस सर। फिगर समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रही है? हाँ सर। प्रियतोष भेजा था शायद क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन शायद तुम ही ना ग्रुप में डाले थे कुछ दिन पहले। कैसे करेंगे बताओ? है ग्रुप में भेजा हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हो ग्रुप में। 30 अगस्त वाले यानी डाउट वाला जो है उसमें दिया हुआ है 30 अगस्त को। शायद प्रियतोष ने भेजा है पूरा क्वेश्चन वहां पे। सर हाँ ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्लियर है। मैंने कि क्वेश्चन क्लियर होगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा रिंग है, ठीक है। रिंग टाइप का हम थिकनेस इसका ज्यादा रखे हैं, हाफ रिंग है यानी कि इसका थिकनेस कम मानना है। यानी कि समझो कि एक हाफ रिंग ऐसा हम एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ाते जाएंगे तो हमको एक वायर मिलेगा, वही वायर है, ठीक है। यानी कि करंट इसमें आई बह रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम 2D में ही बना रहे हैं। ये हमारा एक ऐसा पोर्शन मिल गया, इस पॉइंट पे निकालना है। तो हम यहां से क्या किए कि ऐसा एक एलिमेंट ले लिए, ठीक है। यहां से हम थीटा पे गए और ये जो एंगल डी थीटा का एक एलिमेंट ऐसा ले लिए। तो ये जो हमको एलिमेंट मिल रहा है, ये हमको एक मिल रहा है ऐसा कि इसमें करंट जो है इनटू द प्लेन आई बह रहा है, ठीक है। ये हमको ऐसा थिकनेस का वायर मिल रहा है और इसमें जो करंट डी आई मिल रहा है और इनटू द प्लेन आ रहा है। अब इस डीआई वाले के कारण इस पॉइंट ओ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी तरफ थंब रखो और हाथ को देखो तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ कुछ डी है। सिर्फ इस एलिमेंट के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो यहाँ डीबी आ जा रहा है। और ऐसा हम लिए हैं, ये हमारा थिकनेस दे रखा है, लेकिन हमारा जो वायर है यहाँ पे बन रहा है। तो जब हम वायर को बना रहे हैं तो इतना थिकनेस में ये वायर बन रहा है और इस टोटल में जो है हमारा करंट आई बह रहा है। तो हमारा आई कितने लेंथ में बह रहा है? तो दिख रहा है कि पाई आर लेंथ में करंट आई बह रहा है। तो 1 यूनिट लेंथ में कितना बहेगा? तो आई बाई पाई आर बहेगा। तो डीएक्स में कितना बनेगा बहेगा? तो डी आई, जिसको हम बोलेंगे आई बाई पाई आर इंटू डी ए। ये वाला डीएक्स, ये वाला लेंथ डीएल बोल रहे हैं, तो डीएल। अब यहाँ डीएल को हम लोग बोल सकते हैं कि डीएल जो होगा आर इंटू डी फाई होगा, डी थीटा, थीटा लिए हैं तो डी थीटा होगा। तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं आई बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर से आर गया और यहां से हमको मिल जाएगा डी आई इजकल टू आई डी थीटा बाई पाई, ये मिल रहा है, ठीक है। यहां से हमको डी आई मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिला होगा। अगर हम ये ऐसा मिला दें तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे ऐसा परपेंडिकुलर ही होगा, तो हम इस एंगल को भी थीटा बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसा दिख रहा है कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल थीटा है, इधर की तरफ होगा बी कॉस थीटा और
और इधर की तरफ होगा बी साइन थीटा, ठीक है। अगर ऐसा ही एलिमेंट हम यहाँ पे लिए होते, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम देख रहे हैं तो, या फिर पूरा कर ही लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट लिए होते तो इसकी वजह से देखो, इस इधर वाले पोर्शन से एलिमेंट लेंगे तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, ठीक है। और ये एंगल फिर से थीटा, तो इधर की तरफ आ जाएगा हमारा बी कॉस थीटा और इधर की तरफ आ जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से हम डीवी अगर लिखे हो, डीवी अगर लिखे हैं तो डीवी तो हमारा आएगा म्यू नॉट आई, करंट वायर के लिए है, तो डी आई अपॉन टू पाई आर, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर डी फाई, डी थीटा डी फाई, इतना है डीवी हमारा। अब हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सिमेट्री यूज कर सकते, या तो यहाँ डीवी है, या तो हम सिर्फ इस डीवी को इंटीग्रेट करें साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, दोनों के लिए, दोनों में से किसी को लिए सॉल्व करो, या फिर यहाँ से अगर हम देखें तो ये अगर हमारा ऐसा वायर था तो इधर के लिए देखें तो यहाँ ऊपर कहीं आया था, इस पोजिशन के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हमारा मैग्नेटिक है, ये वाला और ये ऊपर वाला, ये दोनों हमको सिमेट्रिक दिख रहा है, यानी कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, एंगल ऐसा कुछ आ रहा है, अगर उतने ही एंगल पे जाके इधर लेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, तो यहाँ इधर नीचे आ रहा है और यहाँ ऊपर आ रहा है, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा, यानी कि वाई डायरेक्शन वाला तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन वाला, एक्स डायरेक्शन वाला हमको दिख रहा है टू डीवी कॉस ऑफ थीटा हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके कारण और इसके कारण दोनों की वजह से डीबी जो हो जा रहा है टू डीबी कॉस ऑफ थीटा हो जा रहा है, तो इसको अब बस लिख के सॉल्व कर लेना है, तो हो जाएगा टू डीबी का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर आर इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, ठीक है, मैंने कि अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, तो हम चूंकि सिमेट्रिक माने हैं, डबल मान लिए हैं, तो थीटा जीरो से पाई बाई टू ही मानेंगे, तो ये जीरो से पाई बाई टू, अगर हम यहाँ पे टू नहीं लिखते तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लेते, खैर हम सिमेट्रिक माने हैं तो यहां से जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू कॉस थीटा वन आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है इस केस में, तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम सिमेट्री यूज कर रहे हैं, सिमेट्री यूज नहीं करना है, तो इस वाले पोर्शन को हटा के यहाँ पे x में ये आ रहा है, y में ये आ रहा है, तो x में इसको हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, y में dv sin थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, और इस केस में जो हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हमको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात में किसी को दिक्कत, बोलो सूरज, हेलो, क्या समझ आ गया, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे कि अगर क्वाइल है तो क्वाइल के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सब चीजें देखेंगे।
फिर सोलेनोइड में कितना होगा, टोरॉइड क्या होता है और उसमें कितना होगा। ठीक है फिर, एंड कर रहे हैं।